हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खास क्या है, क्या सीखेंगे। यहां पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट के नाम है और यहां पर नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम सम कर लेते हैं, यानी कि हम इनका टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट का टोटल कितना हुआ। तो यहां पर सम का फॉर्मूला लगा करके एंटर प्रेस कर देंगे, ये टोटल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज का फॉर्मूला लगा करके। तो ये एवरेज कैलकुलेट किया हमने, ये हो गया एवरेज, और यहां से ड्रैग कर दीजिए आपका एवरेज भी आ जाएगा। आपको टोटल नहीं चूज करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे एवरेज भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा सब कुछ कैलकुलेट हो गया। अब हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सीधा कहाँ चलते हैं, इंसर्ट पर, और चलते हैं पाइवोट टेबल पर। ये आ गया पाइवोट टेबल पर, यहाँ पर आपको पाइवोट टेबल दिखेगी। न्यू वर्कशीट पे क्लिक रखिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आएगा पाइवोट टेबल ऑप्शन, यहाँ पे आ जाइएगा। फिर यहाँ से डिस्प्ले पे आपको जाना है, डिस्प्ले पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्लासिक पाइवोट टेबल। आज हम क्लासिक पाइवोट टेबल की ही बात करेंगे, तो ये क्लासिक पाइवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। और अब यहाँ से नेम लेकर आता हूं और इसको ड्रॉप कर देता हूं यहां पर। ये देख लीजिए, यहां पर मैंने ड्रॉप कर दिया। और अब हमें टोटल चाहिए, ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो टोटल है ना, इसको आप ले आइए, यहां पर ड्रॉप कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पाइवोट टेबल का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ ये हम कर सकते हैं इजिली। अगर आप टोटल के बजाय एवरेज चाहते हैं लेके आना, तो यहां से एवरेज को भी लेके आ सकते हैं। तो ये क्लासिक पाइवोट टेबल कहलाता है। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।